बता दिया क्या नमिता दी को? तिहाड़ जेल में आए हैं फिर से। तिहाड़ जेल में रहते ना कविता दी? हाँ अभी एक घंटा वहीं वेट कर लेंगे, मेरा इतना तो कर ही सकते हो ना, मेरा मेरे लिए हम तिहाड़ के अंदर है ना, हमारे फोन के नेटवर्क ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। जब बस आपको एक चीज दिखाती हूँ, तिहाड़ जेल के बाहर ना इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो उनका कोई अंदर सगा संबंधी होगा ना बंद, तो उनकी रिहाई होगी, तो इसलिए वो इस टाइम उनको लेने के लिए आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। का स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो इस व्लॉग में आप देखोगे कि इनकी सिस्टर का बर्थडे है। तो हम जा रहे हैं, जो कविता दी आई थी ना, जिनको आपने हमारी गाड़ी वाले व्लॉग में देखा होगा, तो उनका बर्थडे आज, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि आज हम उनको सरप्राइज करने वाले हैं। तो मैं, मम्मी और ये, हम तीन जने जा रहे हैं, और वो भी कार से। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अभी अभी मैं जस्ट जिम से आई हूँ, सब तैयार हो गए, सिर्फ मैं रह गई, मैं एडिटिंग करी थी, तो रेडी हो गए, फिर मिलती हूँ। फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ना सिर्फ टी शर्ट ही पहन ली है, टी शर्ट और ट्राउजर, क्योंकि मुझे ना वहाँ से जिम जाना है, और आज हम कविता जी के भी रुकेंगे और वहाँ से मैं जिम जाऊँगी, तो इसलिए मैंने नॉर्मल सूट वूट नहीं पहना। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो अभी वीडियो में आओगे? जूते और वो कपड़े हैं जिम के मेरे। तो यार हम नीचे आ गए और गाड़ी में बैठे, और हम केक ऊपर भूल है, और अभी बस निकलने ही वाले थे, और फिर हमें फिर से केक लेना पड़ता। और पता है जिस जगह पे उधर जाते हैं ना, उधर हमें केक जल्दी से मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे ज्यादा जानते नहीं है ना। तो फटाफट से केक वो लेने के लिए गए हैं, फिर केक आएगा। आ गया केक हमारा। बंद क्यों कर? तो आर्यन आ गया, आर्यन हमारी टीम में शामिल है, आर्यन को पता है बस, लेकिन कविता दी को नहीं। वो आगे गाड़ी आ रही है। बता दिया क्या कविता दी को? नहीं पता। तो फिर यार हम पहुंच चुके हैं, और अब कविता दी को सरप्राइज करेंगे। तिहाड़ जेल में आए हैं फिर से। तिहाड़ जेल में रहती है ना कविता दी? हाँ सॉरी, ये तो बोलना ही भूल गई। मतलब यार इनको तो कोई शौक ही नहीं हुआ, मतलब इनको पता था, आपको पता था। हैप्पी बर्थडे। तो हम यहाँ पहुंचे और हमारा स्वागत हुआ यहाँ चाय और गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ी के साथ। तो यार आए हुए हमें ना कितना टाइम हो गया? 6:30 हो गए हम आए हुए, हमें एक घंटे से ऊपर हो गया। और यहाँ पे कपड़े की दुकान खुली हुई है, तब से सूटों की बात हो रही है। ये कविता दी ने सूट निकाले, और कविता दी के सूट वो हो गए बट गए। लग रहा इसका दुपट्टा प्यारा लगा मुझे, मतलब ऐसे ही लाल ही ले लूंगी मैं अभी, है ना। रेड अच्छा लगता है, रेड इसमें एक और था, उसमें है ना कढ़ाई बहुत ज्यादा थी, एक और था वो पसंद आया था, उसका दुपट्टा नहीं पसंद आया मुझे, उसका दुपट्टे में क्या था। तो अभी तो आप कह रहे हो साड़ी पहन ली हो, पहुंच जाएंगे ना, अभी तो साड़ी पहन लिया ना, देख लेंगे अभी आगे देख लेंगे। सूट दिखाते हैं मैंने, देखो ये, देखो ये सूट, बनारसी सूट यार। वो रेड वाला सूट दिखाना आपके इधर, ये जो रहा रेड वाला, देखो ये रेड वाला सूट, रेड कलर का सूट, और ये इसकी चुन्नी, और ये भी कोई सूट है पता नहीं। तो यार शाम हो चुकी है और मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए, और फिर वापस यहीं पे आ जाऊंगी, और फिर हम करेंगे पार्टी, मतलब जो हम करने के लिए आए थे। तो ये मैं पहन लेती हूँ ना, तो हम सूट ही लेके जा रहे हैं कविता दी की, और इसी से वापस आ जाएंगे, और ये मेरे साथ जा रहे हैं, एक घंटा वहीं वेट कर लेंगे, मेरा इतना तो कर ही सकते हो ना, मेरा मेरे लिए यही बात है। तो यार अभी हम तिहाड़ के अंदर है ना, हमारे फोन के नेटवर्क ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी, जब बाहर निकलेंगे ना तब नेटवर्क आएंगे, तो हम गूगल मैप भी नहीं चला सकते, अब बाहर जाने के बाद चलेगा। अरे ना तिहाड़ में क्वार्टर्स बने हुए हैं इस तरफ को मेरे,
राइट हैंड साइड पे। यार देखो यहाँ पे रावण बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, इशारा पास आने वाला ना, तो देखो कितने सारे रावण यहाँ से रावण मिलते हैं। देखो लगातार लाइन से कितने रावण होंगे, कम से कम 50 रावण चले गए होंगे अभी तक। और देखो यहाँ पे टैगोर गार्डन, अगर आपको रावण लेना हो तो टैगोर गार्डन आ जाना। फिर मेरी क्लास हो चुकी है और अभी आपने देखा ना डांस चल रहा था, तो जुम्बा का सेशन था कंप्लीट करा लिया और मैं तो थक गई। और ये मेरे को लेने आ गए हैं इतनी देर से, ये खाना वाला पैक करा, कुछ पैक कराया आपने? तो अब खाना पैक कराएंगे और फिर चलेंगे वापस कविता दी के घर। तो यार हम तिलक नगर मार्केट पहुंच गए और बस इतना ही। बीटेक पानी पूरी वाली बोरा स्टॉल उसका, बीटेक पानी पूरी वाले का क्या कह रहे हो? हाँ ये भी है कि उगते हुए सूरज को और कोई सलाम करता है, तो अब इतनी रश नहीं होगा जितना पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ट्रेन चला था ना बीटेक पानीपुरी वाली, बहुत भीड़ रहती थी। तो यार हम पहुंचने वाले हैं, बस आपको एक चीज दिखाती हूँ। तिहाड़ जेल के बाहर ना इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, जो उनका कोई अंदर सगा संबंधी होगा ना बंद, तो उनकी रिहाई होगी, तो इसलिए वो इस टाइम उनको लेने के लिए आया। तो मैं ऐसे स्कूटी चलेगी तो आप देखना, मैं आपको बता दूंगी कि देखो ऐसे खड़े हुए हैं। तो ये आगे तिहाड़ जेल और ऐसे कितने सारे लोग खड़े हुए ना, ये मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना ये रिहाई हो रही है आज रिहाई, तो ये अपने रिश्तेदारों का वेट कर रहे हैं, उनको छुड़ा के घर ले जाएंगे। ये देखो कितने सारे लोग खड़े, पता नहीं मेरे को ऐसी चीजों में क्यों इंटरेस्ट है, शायद मैं पिछले जन्म में चोर या डाकू रही होंगी या उनके खानदान की होंगी, ये शायद हमें चोर समझ रहे हैं। भौके जा रहे भाई, चोर नियम। हम आ गए, सॉरी लेट हो गए। तो यार हम घर पहुंच चुके हैं और रात के 9:30 बज गए हैं, तो अब हम केक कट करेंगे। केक कटेंगे फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो बहुत थक गई, आज मैं पूरा दिन नहीं सोई। तो यहाँ से मेरा माइक बंद था और मुझे पता ही नहीं था, तो वीडियोस बनती रही और वीडियोस खराब हो गई। तो यहाँ पे कविता दी रेडी हो रही थी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमने इनको बोला यार बर्थडे वाले दिन तो रेडी हो जाओ, फिर वो रेडी होके फटाफट से आई। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे केक कटिंग की, तो ये देखो एक ही कैंडल लगाई हमने। वैसे तो कैंडल्स बुझानी नहीं चाहिए, लेकिन सब मानते ही नहीं, सब कहते नहीं जलाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम केक कटिंग की तैयारी कर रहे थे, फिर कविता दी रेडी हो रही थी और इतनी देर तक रेडी हो रही थी, और ये रहा हमारा केक। तो यही केक है जो हम माँ से लेके आए थे। फिर हमने कविता दी को बोला कि आ जाओ यार बस करो, कितना तैयार हो गए। फिर फाइनली वो घड़ी आ गई जब केक कटने की बारी थी, हमने कैंडल जला दी और फिर उसके बाद यहाँ पे कविता दी बैठी और यहाँ पे हम सारे बैठ गए केक कट करने के लिए। तो चलो अब केक कट करते हैं और बर्थडे करते हैं सेलिब्रेट। फिर केक कटिंग करने के बाद आ गया हमारा खाना, और सॉरी हम खाना लेके आए थे, तो ये हम लाए थे खाने में जो कि थी ये चाप और थी साथ में दाल मखनी। तो चाप चिकन जैसी लग रही थी, तो ये बोल रहे थे हम आज खा रहे हैं बटर चिकन, तो ये बटर चिकन नहीं है चाप है। तो दाल मखनी कुछ ऐसी लग रही थी, देख सकते हो आप, हम फर्स्ट टाइम इस साइड का खाना खा रहे हैं, मतलब तिलक नगर साइड का। तो चलो देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। तो यार हमने केक कटिंग करी, सारी चीजें वीडियो बनाई और बाद में मैंने देखा उसमें वॉइस ही नहीं आ रही, मेरा जो माइक था वो बंद था या फिर वो हैंग सा हो गया था, तो मेरे को तो गुस्सा चढ़ रहा है। इतनी अच्छी वीडियोस बनी थी और अब सारे मुझे देखेंगे ना व्लॉग, तो मेरे को सुनाएंगे कि चेक नहीं कर सकती थी, तो वीडियो खराब हो गई वो वाली।
तो चलो कोई बात नहीं, अब सारे बाहर गए हैं घूमने के लिए और मैं नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अभी क्लास करा के ना, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बर्थडे सेलिब्रेट करा हमने और अभी सारे बातें भी करेंगे रात को, तो मैं हो सकेगा तो व्लॉग बनाऊंगी उसका, ठीक है, क्योंकि अभी हम इतनी सारी बातें करी, हमने इतनी सारी मस्ती करी, तो वो सारा कुछ व्लॉग के अंदर आया ही नहीं। खैर रात के 1 बज रहे और अभी सारे बातें कर रहे थे और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई सोएगा, है ना। आर्यन वहां से बैठे और मेरा माइक चार्जिंग पे लगाया था, माइक भी चार्ज नहीं होने दिया, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। क्यों आर्यन गुड नाइट बोलेगा सर, गुड नाइट, अच्छा बाय बाय, गुड नाइट बोलना था यार, गुड नाइट सो जाओ, गुड नाइट सो जाओ, एक तो यहाँ पे।